हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद भास्कर। आज हम सभी इडियम फ्रेजेस के बारे में सीखेंगे। फ्रेंड्स, आप सभी मेरे चैनल को देखने के लिए, अच्छे से वीडियोस पाने के लिए प्लीज सब्सक्राइब करें और रेड बटन को क्लिक करें और उसको प्रेस करें और घंटी जब आ जाए तो उसको दबाने का काम करें। और ऐसे नए नए वीडियो आप लगातार मेरे चैनल माध्यम से पाएंगे जो आपको कॉम्पिटिशन में और जो आपको एग्जाम से बहुत ही काम आने वाला है। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं इडियम फ्रेजेस के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, इडियम फ्रेजेस मतलब क्या होता है? आपका मुहावरे और लोकोक्तियां। फ्रेंड्स, हम लोग जब कोई कंपटीशन एग्जाम दे जाते हैं, जैसे एसएससी हुआ और आपका एनडीए हुआ, सीडीएस हुआ, एयरफोर्स हुआ, वहां सारे एग्जाम्स में आपको इडियम फ्रेजेस आपको मिलते हैं। तो इडियम फ्रेजेस आपको इंपॉर्टेंट इडियम फ्रेजेस देंगे जो एग्जाम में कभी आए थे और आने की 100% की संभावनाएं हैं। तो हम लोग देखते हैं डाई इन हार्नेस। डाई इन हार्नेस मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? कार्य करते हुए मर जाना। जैसे देखिए, बॉर्डर पे हमारे जो सैनिक होते हैं लगातार, तो लोग क्या करते हैं अपने कर्तव्य के लिए वो मर जाते हैं। तो आप यहाँ अगर आपको सेंटेंस बनाना पड़ जाए तो आप क्या बना सकते हैं? सोल्जर वॉज डाइड इन हार्नेस, सैनिक अपने कार्य को करते करते हुए मर गए। तो इस प्रकार से तो यहाँ आपका जब कंपटीशन एग्जाम में आएगा तो यहाँ आपके पास चार ऑप्शन दिए रहेंगे। चार ऑप्शन में से आपको एक करेक्ट ऑप्शन चूज करना रहेगा फ्रेंड्स। लेकिन अगर हम लोग हिंदी इसका जानते हैं तो आसानी से उसका अर्थ निकाल करके ऑप्शन को क्लियर चूज कर लेते हैं। नेक्स्ट देखिए, रेड लेटर डे, इसका मतलब क्या हो गया? महत्वपूर्ण दिन। अब इसमें आपका ऑप्शन जैसा आएगा, इसका ऑप्शन आपका आएगा इंपोर्टेंस डे। तो आप चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन आप लगा देंगे इसको इंपोर्टेंट डे, तो यहाँ आपका ऑप्शन क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं विन लॉरेल्स, इसका मतलब क्या होता है? यश प्राप्त करना। नेक्स्ट देखिए प्ले ड्रग्स एंड ड्रिंक्स, इसका मतलब क्या होगा फ्रेंड्स? फिजूल खर्ची करना। नेक्स्ट देखिए इन फुल स्विंग, चरमोत्कर्ष पर होना। जैसे आज देखिए हमारी इंडियन इकोनॉमी और हमारा देश इंडिया लगातार विकसित राष्ट्र के कगार पे हो रहा है, लगातार वो विकास कर रहा है और उसकी इकोनॉमी लगातार बढ़ रही। तो आप लिख सकते हैं इंडिया इकोनॉमी इज इन फुल स्विंग। नेक्स्ट देखिए ह्यू एंड क्राई, शोर मचाना। और नेक्स्ट देखिए आपका है बाय डिंट ऑफ के कारण से। तो ये सारे इडियम फ्रेजेस आपके कंपटीशन एग्जाम में बहुत ही आपके बेनिफिट होंगे। और आप लगातार इसको सीखिए, इसका प्रैक्टिस करिए और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप इसका बहुत ज्यादा बेनिफिट पाने वाले हैं। और आप लगातार मेरे चैनल पर बने रहिए और लगातार मेरे चैनल को देखते रहिए। और जो चैनल पर नए आते हैं वो प्लीज सब्सक्राइब करें चैनल को, और जो चैनल पे है हमारे लगातार वो प्लीज को लाइक चैनल को और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। प्लीज थैंक्स फॉर वॉचिंग।